अरे बबलू जी, इतना उदास क्यों हैं आप? आपकी वाइफ तो कहीं गुम हो गई थी ना? हाँ, घूमने गई है पीछे। झूठ बोल रहे हैं ना, वो तो भाग गई है, ऐसा कुछ हमने सुना था शायद। भागी नहीं है। हाँ। बस वैसा गई है पीछे घूमने के लिए, गांव से आए थे। अच्छा, और यहाँ के वो बोली कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन इधर आते हैं, सेलिब्रिटी हैं, और थोड़ा सा मस्ती करना मजाक करना उनके साथ। हम लेकर तो आए, दो चार थे हीरो आए थे, देखते देखते चले गए, हम इंटरव्यू करते रह गए। तो मतलब आपकी वाइफ गई? समाज में इज्जत है हमारा। अच्छा अच्छा, मतलब आ जाएंगे अभी? आ जाएंगे। हाँ अच्छा, ओके, इंतजार कर रहे हैं। अरे तो छोड़िए ना, वो गई तभी तो आप आई हैं, और आपके साथ थोड़ा सा बातचीत करने का मौका मिलेगा। हम हैं बबलू। हम हैं अंजना। अच्छा तो ये बताइए हमको कि इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, और हम सुने कि आप अंदर बहुत ही तगड़ा वाला परफॉर्मेंस भी आप दी हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए भाई। अभी दिया नहीं है, देना है। तो कौन गाना कर रही हैं? मैं मेरे ही सॉन्ग्स पे कर रहे हैं, कुंभ के गाने हैं, सारे गानों का एक मैसअप बनाया है उस पे कर रही हूँ। क्या बात है। अच्छा देखिए, ऐसा एक बहुत नाराजगी हो गई है आपसे। क्या? वो हमारे मेहरिया बता रही थी कि आप धीरे धीरे भोजपुरी फिल्म बहुत कम कर रही हैं, आप सीरियल उलियन में टीवी के हिंदी में चले गए। ये देखिए अंजना जी, कॉपीराइट है भोजपुरी दर्शकों का। नहीं, कॉपीराइट है। हम बबलू जी इसका यही जवाब देना चाहेंगे कि जो भोजपुरी है ना, वो मेरा परिवार है। हाँ। और परिवार को कोई कभी छोड़ के नहीं जाता है। अच्छा, लेकिन परिवार के लिए, परिवार का नाम करने के लिए आगे तो काम करना पड़ता है ना, तो उससे नाम होगा ना। हाँ। परिवार को प्राउड फील करना चाहिए ना, हमेशा प्राउड फील कराना चाहिए ना, और भोजपुरी मेरा परिवार है। परिवार को ना कभी छोड़ा जा सकता है, ना कभी भुलाया जा सकता है। और अभी अभी हाल ही में हम देखे कुछ पोस्टर्स भी आपके फिल्म के बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। बिछिया जी, बिछिया बनी है आप? बिछिया, बिछिया बनी नहीं, वो बिछिया नहीं जो काटता है, वो तो बिच्छू होता है। हाँ, हाँ, अच्छा, ये वो नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं है। ये बिछिया है जो सुहागन औरतें जो अपने पैर में शादी के टाइम पे उन्हें पहनाया जाता है, और बिछिया का महत्व उतना ही है जितना कि एक सुहागन के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर का होता है। अच्छा, तो ये उसी के ऊपर सिनेमा मेरा बन रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी वाली बात है, बहुत ज्यादा आपको बधाई, शुक्रिया। थैंक यू। जब भी ऐसा सम्मान मिलता है, सबरंग अवार्ड के लिए स्पेशली अगर बात करें, क्या चलता है जहन में जब आपको निमंत्रण मिला कि भाई सबरंग में आपको सम्मानित किया जाएगा, या नॉमिनेशन में हैं आप, क्या चला? अच्छा लगता है, और इतना अलग अलग किरदार, इतना अलग अलग सिनेमा मैंने इंडस्ट्री को और मेरे भोजपुरी ऑडियंस को, समाज को दिया है, उसके अवज में हम लोगों को जब ऐसे अवार्ड शोज होते हैं और बुलाया जाता है और हमें अप्रिसिएशन के नाम पे अवार्ड दिया जाता है, तो हर आर्टिस्ट को अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। अब जो दर्शक हैं हमारे ऑस्कर पे आपको देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या कहेंगी, और एक सवाल जाते जाते पूछेंगे आपसे। ऑस्कर देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले तो अंजना सिंह का प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच। मेरी बहुत सारी मूवीज आती हैं ऑस्कर पे, लोग देखते हैं, और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, सबरंग अवार्ड्स भी आएगा ऑस्कर पे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हर सिनेमा में एक नए किरदार में हमेशा की तरह एंटरटेन कर सकूं। अच्छा सुनिए, भीतर जा रही है ना, आपका परफॉर्मेंस है। हाँ। हमारे मेहरिया वहाँ घूम रही होगी। श्रुति राव एक एक्ट्रेस है, उनके तरह उनका ना पूरा चेहरा दिखता है, अगर वो मिल जाए तो बोलना कि बस करो, कितना लाइन मारोगे, बेचारा अकेले दुनिया भर से फ्लर्ट कर रहा है, जरा मेरे लिए इतना छोटा सा काम करेंगी ना। एक बात आपको बहुत बढ़िया बता रही हूँ, इधर आइए। श्रुति राव जैसी चेहरे वाली कैसे रुक सकती है आपको?